क्या साइशा की वजह से फिर से होगी सवी की जिंदगी की नई शुरुआत? क्या उसके दिल में जागेगा प्यार? वेल, आपको बता दें, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के ट्रैक में 7 साल का लीप आ गया है। अब प्रोमो भी सामने आ गया है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आप देख सकते हैं इस प्रोमो को देखकर, सभी को देखकर फैंस को बहुत दया आ रही है, क्योंकि अब सभी जो है उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। एक छोटी सी बच्ची है और हितेश भारद्वाज जो कि ईशान से भी ज्यादा खड़ूस लग रहा है, उसकी एंट्री हुई है। अब इन दोनों की कहानी कैसे शुरू होगी ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बताते हैं प्रोमो में क्या दिखाया गया है और शो की कहानी आगे क्या होने वाली है। वेल, सबसे पहले आप प्रोमो देखिए, प्रोमो में सभी का लुक देखिए। सबसे पहले तो ये भी देखिए कि 7 साल बाद क्लियरली लिखा हुआ है कि 7 साल का लंबा लीप आया है। इसके बाद सभी का लुक आप देखिए कितना बदल चुका है। सभी अब एक टीचर बन चुकी है, IAS ऑफिसर नहीं बनी। अब सभी का ये लुक जो है वो काफी ज्यादा फैंस को पसंद आ रहा है। सभी का साड़ी वाला लुक आलिया भट्ट से मिलता जुलता है। वहीं पर आप ये भी देखिए किस तरह से सभी को एक बच्ची मिली है जिसकी सभी केयर करती नजर आ रही है। इस बच्ची का नाम कुछ और नहीं बल्कि साइशा है। जी हाँ, अमायरा की एंट्री हो चुकी है और वो साइशा बनकर सभी की लाइफ में आई है। ऐसा लग रहा है कि ये छोटी सी बच्ची ही सभी की जिंदगी में खुशियों के रंग भरेगी। वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से ये छोटी सी बच्ची जो है इसको सभी पढ़ाती हुई नजर आ रही है, सभी इसकी पूरी हेल्प कर रही है। तो वहीं वो छोटी सी बच्ची गलती से जो है सभी को अपनी आई कह देती है, जिसके बाद सभी उसकी शक्ल देखने लग जाती है। यानी कि अब कहीं ना कहीं मेकर्स ने हिंट दे दिया है जल्दी ये लड़की जो है सभी की छोटी सी बच्ची बनने वाली है। वहीं हम बात करें भाई हितेश की, तो हितेश की एंट्री हुई, हितेश का लुक भी बेहद डिफरेंट है। वो आते हैं और अपनी बेटी को लेने, तो यहीं पर सभी जो है उससे कहती है क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना काम छोड़कर अपनी बच्ची को पिक करें? तो इस पर वो कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप हमारे मामलों में ज्यादा टांग अड़ा रही हैं? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, इन सब पर ध्यान मत दीजिए। इसके बाद सभी जो है उसकी शक्ल उतर जाती है और वो बहुत उदासी हो जाती है। आप देख सकते हैं कैसे हितेश जो है वो बहुत ही खड़ूस है और सभी बहुत प्यारी है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा ये छोटी सी बच्ची साइशा जो है वो सभी और हितेश को एक कैसे करेगी, क्या कहानी होगी। आपको कैसा लगा प्रोमो कॉमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।